Hey guys, welcome to Commerce Parshala. Today we are going to talk about a very important topic from MCO 15, which is also present in the assignment as well. So assignment pe ye topic hai aur ye topic exam ke point of view se bhi important hai. To isko main discuss kar leta hu. Assignment agar aapko chahiye to aap hame call ya fir WhatsApp kar lo yaar फटाफट. हमारा फोन नंबर है 8101065300, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा. अगर आपको नोट्स चाहिए तो असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी. ऐसे असाइनमेंट 50 रुपीज पर पेपर जो है चार्ज रखा गया है. तो अगर आपने चाहिए तो आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लो. ठीक है, सो टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है, 2A 2B. ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं दोनों को अलग अलग कर लेता हूँ. एक क्वेश्चन अभी करेंगे, एक क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में करेंगे. तो जो हमारा अभी का टॉपिक होगा वो होगा पहला वाला 2A, which is briefly explain the reforms undertaken by government for the growth of textile and garment industry in India. तो गवर्नमेंट के जो भी रिफॉर्म्स है जो कि उन लोगों ने लिए हैं फॉर द यू नो बेटरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री जो हमारे इंडिया में है, उसके ग्रोथ के लिए जो भी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो यू नो जो स्टेप्स लिए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो चलिए फिर शुरू करते हैं. नाउ तो जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो, द टेक्सटाइल एंड द गारमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, है ना. तो इंडिया में जो है टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री भी है, क्योंकि हम लोग चीजें जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं. सो एम्प्लॉइंग मिलियंस ऑफ पीपल्स एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज इकोनॉमी. तो इसके अंदर ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे लाखों लोगों को जो है इससे रोजगार मिलता है और इससे जो है इकोनॉमी का भी भला होता है. जब लोग पैसे कमाते हैं, उसको खर्च करते हैं, तुम्हारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ती है. तो इसीलिए टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ ओवर द इयर्स द गवर्नमेंट हैज अंडरटेकन वेरियस रिफॉर्म्स एंड इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ दिस इंडस्ट्री. तो ओवर द इयर्स समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे गवर्नमेंट ने डिफरेंट यू नो मेजर्स लिए हैं, डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, डिफरेंट रिफॉर्म्स किए हैं ताकि इस इंडस्ट्री के ग्रोथ को एक तरीके से सपोर्ट किया जा सके. और उन्हीं रिफॉर्म्स के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहला पॉइंट है टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम. तो एक तरह से एक फंड स्कीम जो है लॉन्च किया गया था 1999 में, जिसको TUFS कहते हैं. TUFS is a government funded scheme that provides financial assistance to growth, financial assistance to textile and garment companies for modernizing their machinery and technology. देखो आपको पता है कि पहले के जमाने में जो हमारे यहाँ पे यू नो कपड़े वगैरह बनते थे वो हाथों से बनते थे, हाथों से उसकी सिलाई होती थी, फिर मशीनें आ गई, फिर अभी के टाइम पर भी बहुत ही हाई लेवल एडवांस मशीनें आ गई हैं. तो देखो जैसे जैसे समय बदलता है आपको नई नई मशीनों की आवश्यकता पड़ती है. अगर आप एक दिन में 10 ही बनाओगे, पहले के जमाने में आप एक दिन में 10 बनाते थे अपने हाथों से चल जाता था, लेकिन अभी के टाइम पे कॉम्पिटिशन का माहौल है. अभी भी अगर आप 10 ही बनाओगे तो जो बगल की कंपनी होगी जो की मशीन की सहायता से 100 यू नो कपड़े बना रही है तो वो तो आगे निकल जाएगी, आप पीछे पड़ जाओगे. तो उन सब चीजों की वजह से, उन सब चीजों को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस स्कीम को निकाला जो कि 1999 में लॉन्च किया जाता है, ताकि ऐसे लोग, ऐसे गवर्नमेंट, ऐसी कंपनीज, ऐसी एमएसएमईज जिनको फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता है, जिससे वो यू नो अपने यहाँ की मशीनरी को और खरीद सकें और बेहतर मशीनरी लगा सकें, उसके लिए जो है लोन प्रोवाइड कराने का काम जो है ये TUFS हमारा करता था, जिसको लॉन्च किया गया था 1999 में. ओके, 1999 में अगर अच्छे तरीके से बोलूं तो. दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स. तो जो टेक्सटाइल पार्क्स होते थे उनको इंटीग्रेट कर दिया गया, है ना. देखो चीजें जब ऑर्गेनाइज हो जाती हैं ना तो चीजें बहुत बड़ी भी हो जाती हैं. आपको पता है कि हमारे इंडिया में कोई भी मार्केट अगर क्लस्टर में रहेगा तो बहुत छोटा रहेगा, लेकिन अगर उसको अगर सेग्रीगेटेड रहेगा तो वो छोटा ही रहेगा, लेकिन अगर वो क्लस्टर में आ जाएगा, बड़े बड़े क्लस्टर में आ जाएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री में आ जाएगा, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तो चीजें जो है वो बहुत ही बड़ी हो जाएंगी. तो एक तरीके से टेक्सटाइल पार्क्स हैं उसको एक तरीके से इंटीग्रेट करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने, और वो सक्सेसफुल भी हुए, ऐसा नहीं कि नहीं हो पाए. तो वो एक इनिशिएटिव लिया गया. तो देखते हैं द गवर्नमेंट हैज सेट अप इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, है ना. ये देखो यहाँ पे द गवर्नमेंट हैज सेट अप इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग by providing world class infrastructure, common facilities and support services, है ना. तो गवर्नमेंट ने एक इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क बनाया जहाँ पे यू नो बहुत सारी चीजें जो है बहुत ही सहूलियत वाली चीजें जो है उन सारे कंपनीज के लिए रखी गई जो कि बिजनेस से जुड़े हुए थे. जैसे कि यहाँ पे देखो टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी लगाई गई, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया, कॉमन फैसिलिटीज लगाई गई सभी के लिए ताकि सबको आइडिया हो पाए, सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड की गई By the government, ताकि वो जो है ठीक तरीके से ग्रो कर पाए. ये पॉइंट है. तीसरा पॉइंट है नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी.
तो गवर्नमेंट ने बाद में अपनी टेक्सटाइल पॉलिसी भी निकाली, जहां पे जाकर के उन लोगों ने अपने जो भी चीजें थी उसको क्लियर किया कि देखो हम आपको इस तरीके से हेल्प करेंगे, आपको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, आपको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। तो पॉलिसी में चेंजेस जो है वो लाए गए। सो द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी इन 2000 विच एम टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग फिस्कल इंसेंटिव्स। है ना, फिस्कल मतलब पैसों वाला इंसेंटिव एक तरीके से दिया गया, इनकरेज किया गया एक्सपोर्ट्स को, ताकि आप अपने सामान को सिर्फ इंडिया में ही ना बेचो बाकी इंडिया के बाहर भी जाकर के बेचो। है ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है काम किया गया। ये सारे की सारी चीजें जो है वो नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत ही हुई। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था जो कि गवर्नमेंट ने लिया, ताकि इस इंडस्ट्री को एक तरीके से ग्रो किया जा सके। चौथा पॉइंट है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। तो हमारे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी मैटर करती है। जब कोई कंपनी बाहर जाती है तो वो इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो बहुत सारे सेक्टर हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो बहुत सारे पैसे जो हमारे टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री में भी घुसता है, तो इसको अगर ठीक तरीके से रेगुलेट किया गया, चीजों को अगर आसान कर दिया गया, तो पैसे जो है यहाँ पे बहुत आसानी से आएंगे और जो इकोनॉमी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में भी लिबरलाइज तरीके अपनाए गए बाय द गवर्नमेंट। क्या किया गवर्नमेंट ने, देखो यहाँ पे, सो द गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड सेवरल मेजर्स अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट एक्सपोर्ट्स। है ना, तो इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में बदलाव लाया और ऐसे रूल्स बनाए, ऐसे नियम बनाए जिससे वो चीजें जो है फैसिलिटेट हो सके, ना कि उसके वजह से कोई हर्डल तैयार हो। इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स। तो ऐसे यूनिट जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे उनके लिए इंसेंटिव्स प्रोग्राम चलाए गए, उनको भी फायदा हुआ। है ना, एंड ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है। देखो आपको हमारे, अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे ना, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। भाई आपको बता देता हूँ मैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी आपको स्टडी करने में, बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, एमकॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर, सारे के सारे नोट्स अवेलेबल है। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। ये देखो कॉमर्स पाठशाला हमारा चैनल है, यहाँ पे आपने आना प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आप जैसे ही आओगे देखो यहाँ पे आप इग्नू एमकॉम जो नया वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यू नो थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, एमकॉम फर्स्ट ईयर जो ओल्ड वाला था सेकेंड ईयर, सारे के सारे देखो प्लेलिस्ट बने हुए हैं। सबके अंदर वीडियोज है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, अभी मैं और भी अपलोड करने वाला हूँ। ये देखो बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकंड ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर के सारे जो पुराने वाला बीकॉम का कोर्स था वो भी सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो सारी की सारी चीजें हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप आराम से आओ देखो चीजों को, आराम से आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वीडियोज को वगैरह को देखो। और जी हाँ, अगर नोट्स असाइनमेंट चाहिए तो मैंने तो वो आपको बताया हुआ ऑलरेडी, आपने वो परचेस करना है, बहुत ही नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है। जो आप साल भर का जो आप ट्यूशन फी पे करोगे उससे तो बहुत ही कम है, उससे तो 70-80% कम ही प्राइस में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये एक चीज होगी। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के बारे में ये बात बताया गया, ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम के बारे में, डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जिसके जरिए एक तरीके से जो है फॉरेन ट्रेड को एक तरीके से, या फिर जो ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है गारमेंट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसको ग्रोथ पहुंचाने के लिए जो है इस तरह की चीजें जो है गवर्नमेंट ने करी। बाद में देखो जीएसटी भी अप्लाई करवाएगा, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो कैसे काम किया देखो, सो द इम्प्लीमेंटेशन और आई मीन इंट्रोडक्शन जो भी आप पढ़ लो ऑफ जीएसटी इन 2017 हेल्प द स्ट्रीमलाइन हेल्प टू स्ट्रीमलाइन द टैक्स सिस्टम फॉर टेक्सटाइल एंड गारमेंट कंपनीज, रिड्यूसिंग कॉम्प्लायंस कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। है ना, तो देखो कॉम्प्लायंस कॉस्ट के नाम पे बहुत सारी कंपनीज जो है बहुत खर्च करती थी, इम्प्रूविंग जो उनकी एफिशिएंसी है वो भी बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया, क्योंकि जीएसटी जो है जनरल आई मीन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज्यादा अलग अलग नहीं है, तकरीबन सेम ही है। तो उसका फायदा ये हुआ कि आपको कंप्लायंस कॉस्ट जो है वो आपका बचता है, आपको बार बार चीजों को करना नहीं पड़ता, चीजें जो है आसान हो जाती है, क्योंकि वन नेशन वन टैक्स की पॉलिसी इसमें अपनाई गई है। हालांकि इसमें डिफरेंट स्लैब्स हैं, बट फिर भी एक पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर के उनका जो है क्लियर कट यहाँ पे जो है रूल्स वगैरह एक तरीके से फॉलो होता है, तो कंप्लायंस बहुत ही कम है, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ी है और जीएसटी का फायदा जो है इस इंडस्ट्री को भी हुआ है। छठा पॉइंट है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट चलाती है, ताकि जो बुनकर होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं इन सब चीजों में, उनकी जो एक तरीके से एक्सपर्टीज है, जो उनका जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जा सके। वो आप तभी करवा पाओगे जब आप उनके स्किल को ठीक तरीके से निखार पाओगे, जब आप उनको ठीक तरीके से ट्रेन कर पाओगे। तो ये काम जो है गवर्नमेंट ने बखूबी निभाया है और बहुत सारे प्रोग्राम्स वगैरह जो है गवर्नमेंट चलाती है ताकि इन सब चीजों को ठीक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। इसको मैं थोड़ा एक बार रीड कर लेता हूँ। तो द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड सेवरल इनिशिएटिव्स टू प्रोवाइड स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर वर्कर्स इन द टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री। जो मैंने बताया वही बात लिखी हुई है, एम्ड एट इंप्रूविंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयबिलिटी। उनका जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को
एक तरीके से इम्प्रूव करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया था। आखिरी पैराग्राफ है, पढ़ लेता हूँ, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे, टू का भी जो कि अगले वीडियो में बनेगा, ठीक है ना। सो ओवरऑल दीज रिफॉर्म्स हैव हेल्प्ड टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल एंड गारमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, है ना। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं 6 पॉइंट्स के माध्यम से, वो सारी चीजें हैं जो कि गवर्नमेंट ने और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है एक तरीके से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, ताकि जो कवर जो यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो गारमेंट इंडस्ट्री है, उसको एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। और कैसे ये किया गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाया गया, इन्वेस्टमेंट जो है एफडीआई को इजी कर दिया गया, जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाया गया, है ना। हाउएवर देयर आर स्टिल चैलेंजेस फेसिंग द इंडस्ट्री, यहाँ पे अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि इस इंडस्ट्री को फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिशन है, दूसरी कंट्री के जो कंपनीज आ रही हैं, आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना होगा जो कि इंडिया में आकर के काम कर रही हैं। तो हम लोग भी एक तरीके से वोकल फॉर लोकल वाला जो स्लोगन है वो प्रधानमंत्री जी ने दिया था, तो वो भी हम लोग को करने की जरूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली मैंने देखा है कि हम लोग जो है ना वो हम लोग बाहर जो चीज की चीजें जो होती हैं हम लोग उसको लेना चाहते हैं, वो चीजें हम एक तरीके से पसंद करते हैं, जो हमारे इंडिया में है उसको हम थोड़ा कम समझते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ की चीजों को सपोर्ट करना है, यहाँ की चीजों को खरीदना है। बाहर की चीजों को आप कम खरीदोगे, हमारा इम्पोर्ट कम होगा, इम्पोर्ट कम होगा तो हमारा जो बैलेंस शीट है, जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो भी कम आएगा, तो इससे इकोनॉमी को ही अल्टीमेटली फायदा होगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, बट अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिख पाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम हमारे पास है, स्किल लेबर हमारे पास नहीं है, जो डिमांड है वो बहुत फ्लक्चुएट करता रहता है, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि हमें फेस करनी पड़ती है चैलेंजेस के रूप में, और साथ ही साथ ये चीजें भी है, ठीक है ना। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा, ये 2 का A 2 का B हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।